पड़ी रहन दो म्यान, बोल करो तलवार को, पड़ी रहन दो म्यान। मतलब साधु की कोई जात नहीं होती है, हम साधु लोग हैं बंधुओं, हम इस देश के मूल वासी ने नेटिव ऑफ दिस कंट्री, हम लोग बड़े साधु हैं, साधु से मतलब अच्छे लोग हैं, और हम अच्छे लोगों के जो संबोधन थे असुर राक्षस दैत्य दानव बहुत अच्छे थे उस जमाने में, लेकिन उनको विकृत करके हमारा नाम हमारा संबोधन सब भ्रष्ट कर दिया, गलत कर दिया। तो इसलिए संत कबीर को मैं कहती हूँ, तथागत गौतम बुद्ध को मान करके, और संत कबीर उसके बाद हम ज्योतिराव फुले को देखते हैं, फिर हम बाबा साहब अम्बेडकर को देखते हैं, इन सब लोगों ने क्या कहा है, हम करते कहाँ हैं? इन लोगों ने कहा क्या कहा है, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ आते तो चाची भली पीस खाए सकता। तो हम लोग आज भी हम पुरुष भाई चले आते हैं, महिलाओं को लाते नहीं है, और इसलिए महिलाएं पत्थर पूजने लगी हुई है। जब मुझे याद आती है सम्राट अशोक के दरबार रघुराज के, वहाँ कहते सारा ब्राह्मण वर्ग महिलाओं को टर्न कर रहा है, और आप यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे। इसलिए उन्होंने 1000 ब्राह्मणों का बहिष्कार किया था, मुझे याद है, क्योंकि मैं 4 विषय की एम ए हूँ, बी एस हूँ, एल एस हूँ, मुझे सब मालूम है। प्राचीन इतिहास संस्कृत साहित्य सब इसमें आता है, जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हमारे भविष्य का निर्माण नहीं होगा। 5 साल के लिए किसी को छूट लिया, वो बिक गया, और हमारी पीड़ा हमारे साथ बनी हुई है। 71 वर्ष हो गए हैं, कहीं कोई पीड़ा में कमी नहीं आई है। इसलिए जिन लोगों ने कहा ये भारत हमारी पुण्य भूमि है, ये भारत हमारी पितृ भूमि है, मुझे पूछना पड़ा तेरी मातृभूमि कहाँ है, ये मेरी मातृभूमि तू काहे को आएगा, मर क्यों ना उधर जा खाली कर। ये आर्यों की बात, वो आर्य लोग कह रहे हैं, बामण बनिया ठाकुर कह रहा है ये हमारी पितृभूमि है, ये हमारी पुण्य भूमि है, तो तू यहाँ आएंगे, तेरी मातृभूमि में जाना, हम हमारी मातृभूमि को संभाल लेंगे। तो ये जो चिंतन है उनका, और जो इन्हें एक तरह से बोलते वक्त है, उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये लोगों ने बहुत कुछ नालायकी की है, जब तक सिंधु सभ्यता का बाहर आना नहीं हुआ तब तक कहते थे ऋग्वेद काल से ही सब कुछ शुरू हुआ, और हमारा ऋग्वेद कालीन और हमारे धर्म ग्रंथ और हमारे पुराण और हमारे ब्राह्मण ग्रंथ यही सब कुछ है। तो मेरा कहना ये पढ़ रहा है, संत कबीर को तो बहुत बुरा कह दिया इन्होंने, अनपढ़ था और बड़ा ही सधुकड़ी भाषा बोलता था, कैसा इशारा कर दिया, वेद हमारे भेद है, हम वेदन के माही, और जो वेद में हम बसे वाको जानत नहीं, दूसरी पंक्ति में के जवा को देखो नहीं, क्यों पागल था क्या, वो अनपढ़ था, गवार था, देश विदेश हो फिरो गांव गांव की खोरी, ऐसा मनवाना मिला जाको जो पकड़ पछो। तो साथियों मुझे भी वही बड़ा डर लगता है कि मैं किससे कहूं कि तुम अपने प्रेरणा पुरुषों की बात मान लो भाई, और यदि उनकी बातें आपने मान ली, निश्चित ही आपका और आपकी संतति का भविष्य सुधरेगा, इसमें कोई मत नहीं है। बाबा साहब ने सारी बातें उनके वॉल्यूम में लिख दी है, 4, 5, 10 देखिए तो सही, आप 7 नंबर देखिए तो सही, आप कितना अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन हमारे घरों में वो चीज मिलती नहीं है। आज हमारी पीड़ा जो है वो वर्ण व्यवस्था की पीड़ा है, हम सबको नकार दे, ब्राह्मणवाद को नकार दे, हमारी महिलाओं को समझा दे, व्रत में करे, उपास में करे, मंदिर में न जाए, कथा न छूने, प्रवचन न सुनने जाए। क्या कहता है प्रवचन में भागवत में ये लिखा, मैं गांव गांव में काम करती हूँ और देखती हूँ, मेरे अपने अच्छे अच्छे वर्कर्स हैं गांव में, मेरी बहुत अच्छी टीम बनी हुई नवयुवकों की, वो कहते हैं दादी वो कह रहा था कि भागवत कथा करा रहे हैं, 5 किलो गेहूं चाहिए, 100 रुपया नगद चाहिए। तो मैंने कहा तू उसको बोल दे कि वो गेट यहाँ से भाग जाए। तो बोले कैसे कह दूं, मैंने कहा अच्छा मेरी बात करवा, मैं बात करती हूँ, कौन है, सज्जन भाई है, सज्जन भाई तू क्या कर रही यहाँ, बोले भागवत कथा हो रही है ना, तो मैं चंदा लेने आई हूँ, दफा होती भी नहीं होती है कि मैं आऊ गाड़ी लेकर के। बोले दादी क्या करूं, मेरे को उन लोगों ने अपर कास्ट के लोगों ने कहा मंदिर बनाना है तो चंदा चाहिए, कथा करवाना है चंदा चाहिए, माता बिठाना है चंदा चाहिए, पिता बिठाना है चंदा चाहिए,
अरे मेरी माँ, इस गणेश ने कहाँ से बरकत दी, इस लक्ष्मी ने किसके यहाँ तिजोरी भरी है? क्यों तुम इन देवी देवताओं के पीछे मरती फिर रही हो? इन महिलाओं को अवेयर करना बहुत जरूरी है। 48.9% महिलाएं हैं। हम अपने घरों में महिलाओं को बिल्कुल रिस्पांस नहीं देते हैं। रिस्पांस दीजिए, वो स्वतंत्र पैदा हुई है। आप भारतीय संविधान भी कह रहा है कि वो मानव है, उसको मानवीय अधिकार दीजिए, उसकी मदद करिए, उसको जागृत करिए और देखिए आप इस देश में क्रांति कैसे नहीं होती। पूरी क्रांति होगी। आज ब्राह्मण, एक ब्राह्मण 10 गाँव में घूमता है और 10 गाँव की महिलाओं को कहता है ये उपवास करो, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा लोक सुधरेगा, परलोक सुधरेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो मैंने कहा किस किस के सुधर गए जरा बताओ, तो स्वर्ग में कौन गया, वहां से लौट के कौन आया बताओ, तो मैं सारा बोकर आ जाती हूँ और मेरे कार्यकर्ता फिर उनका जवाब मांगते, बताओ दादी जो कहा वो क्या, तुम्हारा कुछ भला हुआ? हाथी वाला आ रहा है, घी दो, आटा दो, ये दो वो दो। क्यों भाई तू का ही आए यहाँ? बोले मेरे को चाहिए गणेश है ना। तेरे को चाहिए कि उसको चाहिए? उसको तो नहीं चाहिए, तेरे को चाहिए। आज के बाद मेरे घर मत आना। आज देखिए ये जो मांगते हैं ना, सीधा सीधा मांगने वाली बात, जब मैं मुश्किल से 18 वर्ष की थी, सीधा मांगने वाला आया। आपकी सासू बहन तो सीधा देती थी, अब तब क्यों नहीं दो? मैं इनका सीधे का मतलब बता दे तू, मैं दे दूंगी। सीधे का मतलब बताता है, अरे टीचर हो इतना भी नहीं जानती हूँ। मैं क्या नहीं जानती हूँ रे भैया, मैं तो कबाड़ का खड़ हूँ। बता सीधे का मतलब क्या होता है? वो बताता है न कमाना पड़े, न बोलना पड़े, न काटना पड़े, न कुछ भी नहीं करना पड़े। वो सीधा सच हमारे ये झोले में खड़े में आ जाए। मैंने कहा ये महाराज आज तो तू ले जा, आज के बाद मेरे घर मत आना। और उसके बाद सीधा मांगना बंद हो गया। चंदा मांगने वाले आते हैं, देवी बिठा रहे भी, माँ का आज पूजन होगा। फिर मैं किसकी माँ? तेरी माँ की मेरी माँ? तेरी माँ यदि है तो गेट आउट, यदि मेरी माँ है तो दा मेरे सामने। मैं ऐसे ऐसे प्रश्न करती हूँ कि वो चुप हो जाते हैं और दोबारा भैया यहाँ मत जाओ, ये नहीं रही। हम बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म में कितनी अच्छी बातें हैं। वो धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म निर्वाण का मार्ग बताने वाला, मुक्ति का मार्ग बताने वाला धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। इस देश में कितने सांप्रदायिक दंगे हो गए? किसने करवाए? बुद्धिस्टों ने करवाए, SC ST ने करवाए, नहीं करवाए। तो ये सब ये सांप्रदायिक दंगों को परोस कर वोट की फसल काट रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा और जो हमारे संत लोग कह के गए हैं उसे मानना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। नहीं तो आज हम कह रहे हैं हम तो वोट देंगे और इसको 2019 की सत्ता को बदल देंगे, तो मुश्किल है। अपने घर में क्रांति लाइए सबसे पहले। मेरे घर में मैंने जो जागृति लाई उसका मतलब ये हुआ कि मेरे बेटे को मारा, मेरे दूसरे बेटे को उकसाया, तेरी माँ ऐसा करती बंद कर, यह उनका सामाजिक कार्य बंद कर। मैंने कहा बेटा अलग हो जा, सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया। एक बेटे को अलग जो प्लाट पड़ा था वो बना के दे दिया। बेटी की ससुराल में वो है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं बाबा साहब की देनदार हूँ और जब मैं उनकी देनदार हूँ तो उनके आदेश का मुझे पालन करना पड़ेगा। तो ये जब मैं अपनी ड्यूटी समझ लेती हूँ तब ये समाज में क्रांति होती है। मैं चना भुगड़ा भी खा लेती हूँ, मैं नीचे भी सो जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं इन लोगों के बीच में जाती हूँ, उन महिलाओं को समझाती हूँ, तो क्या होता मालूम? बिल्कुल शुरुआती दौर में गांव में गई एक भाई मेरे को छाने भाई के दौड़ी, बड़ी आई देवी देवता को नहीं मानती, भगवान को नहीं मानती है। मैंने वो अपने कार्यकर्ता को छोड़ दिया, जरा इससे पूछ कौन से देवी देवता ने इसका भला किया, कहाँ का देवी देवता है जो इसको परलोक में रास्ता बताएगा, कौन सी गाय है जो पुछड़ी पकड़ के इसको बेहतर नहीं पार कराएगा। सारे प्रश्न में उसको सिखा करके छोड़ देती हूँ गाँव। और उसके बाद वो महिला कहती बात तो सही है भैया, वो जो कहती है दादी सही कह रही। बोले नौकरी भी ऐसी कि डंके की चोट पर 200 किलोमीटर दूर क्यों भगाया भैया? कारण टाइम से नहीं आती हूँ, रिजल्ट खराब है, गबन किया है, नहीं तो फिर मेरी पोस्टिंग इतनी दूर क्यों? नौकरी नहीं करूंगी, जाऊंगी आर्डर का फॉलो करूंगी।
और मैं ऑर्डर का फॉलो की हूँ, जाके सिग्नेचर किए, अपने स्लम एरिया में काम किया, अवेयरनेस किया। अब वो परेशान है अधिकारी, क्योंकि मैं भोपाल में सारी बातें लिख करके जाई थी कि मेरी गलती बताओ, 200 किलोमीटर दूर क्यों भेजा, और यदि आप नहीं बताते हैं मैं ड्यूटी नहीं करूंगी, डर के भी चोट, कोई रिकॉर्डिंग तो होता नहीं था। तो मेरी बात को मेरे को संजय कुछ कहे, इसलिए साथियों मैंने तबियत से सामाजिक कार्य किया, गांव गांव भटकी हूँ, महिलाओं में जागृत किया। आज अभी बीच में आपका अक्टूबर महीना आया था, 14 अक्टूबर का, करीब 4,500 लोग बाबा साहब की जन्मस्थली पर बाइक रैली लेकर आए, संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा लगाते हुए आए। ये अवेयरनेस किसकी है? मेरी नहीं है, उनका दिमाग जागृत कर दिया मैंने तो। Oh.